दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 का क्वेश्चन आपके पास, जिसमें बाई इक्वल टू फाइव एक्स आपके पास एक्सट्रीमल है, यानी कि जो भी एक्सट्रीमल है फाइव एक्स की फॉर्म, एक्स की फॉर्म में आपके पास आएगा राइट हैंड साइड में, वो आपके पास फाइव ऑफ एक्स फंक्शन है, और आपके पास फंक्शनल गिवन है आई ऑफ बाई इक्वल टू इंट्रीगल वैल्यू 0 to 1 बाई स्क्वेयर इंटू डी बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वेयर, ये आपके पास गिवन है इंटू डी एक्स। तो बाई एट जीरो पे जीरो गिवन है बाउंड्री कंडीशन, एंड बाई एट वन आपके पास गिवन है वन गिवन है, और फाई एट वन बाई फोर पूछा हुआ है आपसे कि ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको। अब देखिए, ये जब आप इस फंक्शनल को सॉल्व करेंगे एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए, तो आप आयलर इक्वेशन यूज करेंगे। आयलर इक्वेशन आपके पास क्या है, डेल एफ ओवर डेल बाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश, ये आपके पास इक्वल टू जीरो। यहाँ आपके पास जो भी हमारे पास फंक्शनल है एफ एक्स बाई एंड बाई डैश सबकी पावर टू है, और यहाँ से आपके पास ये जो गिवन है एफ एक्स बाई एंड बाई डैश हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है आपके पास बाई स्क्वेयर इंटू बाई डैश स्क्वेयर। तो यहाँ से जब मैं ये आयलर इक्वेशन यूज करूँगा, तो आपके पास यहाँ से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होगी वो नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होगी वो नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, जिसको सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई हमारे पास इसके इक्विवेलेंट आयलर इक्वेशन है, व्हेन एवर जब आपके पास ये एफ एक्स बाई एंड बाई डैश इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, यानी कि इसमें आपके पास एक्स का टर्म नहीं है, तो इसके इक्विवेलेंट आपके पास आयलर इक्वेशन बनती है एफ माइनस बाई डैश इंटू डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू जीरो। तो इसको यूज करूंगा मैं, तो यहां से आपके पास मिलेगा सॉरी कॉन्स्टेंट सी, इसी के इक्विवेलेंट आयलर इक्वेशन है, यहीं से फॉर्म होती है आपके पास। तो यहां से जब बाई स्क्वेयर इंटू बाई डैश का स्क्वायर माइनस बाई डैश इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश, तो वो मिलेगा आपके पास टू बाई डैश इंटू बाई स्क्वेयर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा माइनस बाई स्क्वेयर इंटू बाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। तो माइनस सी करूँगा तो आप इसको एक कॉन्स्टेंट ए नाम दे सकते हो। जब बाई स्क्वेयर का बोथ साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए मिलेगा, तो इसको सम कॉन्स्टेंट एल्फा बोल दीजिए आप यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू एल्फा मिला। तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो बाई इंटू डी बाई इक्वल टू एल्फा इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो बाई स्क्वेयर बाई टू प्लस इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस सम बीटा। अब आपके पास ये दो कंडीशन गिवन है, बाई एट जीरो पे जीरो पुट करेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू जीरो मिलेगी, बाई एट वन पे वन पुट करेंगे तो वन बाई टू इक्वल्स टू एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू आपके पास वन बाई टू, बीटा की वैल्यू आपके पास जीरो। तो यहाँ से आपके पास जो बाई स्क्वेयर ऑप्टेंड हुआ वो ऑप्टेंड हुआ आपके पास टू टाइम्स एक्स, तो यहाँ से जो बाई मिलेगा आपके पास वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स। तो फाइव ऑफ एक्स आपके पास क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप यहाँ से कि बाई स्क्वेयर इक्वल्स टू बाई स्क्वेयर बाई टू इक्वल्स टू एल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ से बाई स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टू एल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये भी आपके पास एक कांस्टेंट है, तो इसको आप एक न्यू कांस्टेंट गामा बोल सकते हैं। तो यहाँ से जब बाई एट जीरो पे जीरो फाइंड करेंगे आपके पास, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, जीरो। बाई एट वन पे वन फाइंड करेंगे आप, तो यहाँ से गामा की वैल्यू आपके पास क्या मिली, वन। तो यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन मिला बाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू आपके पास क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपके पास जो फाइव एक्स की वैल्यू मिली वो क्या मिली, फाइव एक्स इक्वल्स टू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपसे पूछा हुआ है फाइव एट वन बाई फोर, तो वो क्या मिलेगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई फोर, दैट इज आपके पास वन बाई टू मिलेगा। तो आपके पास जो ऑप्शन ट्रू होगा वो ए ऑप्शन ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।